हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं शिमला। जी हाँ, हम हैं शिमला में और हम रुकने वाले हैं ग्रैंड हेरिटेज होटल क्लार्क्स में। सी दैट हाउ ही कैरी ऑल द बैग्स। देखिए ये देखो मम्मा कहाँ है, ये देखो मम्मा, ये देखिए। वी आर एट क्लार्क्स होटल, इट्स होटल सिंस 1890, ओल्डेस्ट होटल ऑफ शिमला। आइए दिखाते हैं आपको क्लार्क्स होटल। पार्किंग से लेकर होटल तक देर आर 85 स्टेप्स, 85 सीढ़ियाँ हैं। जो यहाँ काम करते हैं उनके लिए तो रूटीन का काम है ये, बट जो यहाँ के नहीं हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है ये। दिन में अगर 2-3 चक्कर लगा लें तो हेल्थ अच्छी हो जाती है, बट ये लोग जो यहाँ काम करते हैं इनके तो कई चक्कर लग जाते हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ हेल्दी एंड फिट दे आर। यहाँ एंटर करते ही आपका वार्म वेलकम होता है। वेलकम ड्रिंक दी जाती है। सिनेमन टी। नो, इट्स कोल्ड। इट्स टेस्ट इज टोटली डिफरेंट। इट्स अ मिक्स ऑफ एप्पल जूस एंड सिनेमन। टोटली डिफरेंट टेस्ट। सो दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ एप्पल जूस, सिनेमन एंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। दैट्स आल्सो या सो दैट्स ऑल, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ सिनेमन टी। थैंक यू। कम हियर। नो, लेट्स गो। ड्रिंक तो बहुत ही बढ़िया थी। ऑलराइट, सो दिस इज आवर रूम। ये है रूम क्लार्क्स होटल का। दिस इज डीलक्स रूम। दिस इज आवर सेकंड कैटेगरी। पूरे ग्रेस ने पूरी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। कौन है उधर, कौन है? वो ये तो ग्रेशु है। वो दो दो ग्रेशु। से हाय। उसे वो भी है। हेलो। चलिए आपको बाकी कैटेगरीज के रूम दिखाते हैं। आप दिस इज प्रीमियम कैटेगरी। यस। ऑलराइट, देयर इज नो बालकनी थिंग। ओके ओके, सो व्यू इज आई थिंक द सेम इन दैट रूम एज वेल। यहाँ से पार्किंग का व्यू आ रहा है इधर से, तो यहाँ से भी इतना कोई खास फिट नहीं है। यहाँ शैंडलियर है और यहाँ पर सोफा सेट है। ओके, सो एंड बाथरूम में कोई डिफरेंस है इसमें? सेम ही है उसका भी, उसमें भी टब है, तो वही ठीक है। अदरवाइज थिंग्स आर टोटली सेम। If somebody is staying here, so they get this place to sit over here. Yes. We have a good view of Mall Road, yeah?
थैंक्स वेरी मच। आपको रूम टूर कराते हैं शिमला के ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट होटल का, जो कि ग्रैंड हेरिटेज होटल है एंड इट्स हियर सिंस 1898। वैसे तो शिमला में किसी एसी की या फैन की जरूरत होती नहीं है, आपने होटल में भी इसने देखा है अभी जस्ट कोई फैन नहीं है, बट स्टिल अगर आपको गर्मी लग रही है तो दे हैव प्रोवाइडेड फैन, और अगर सर्दी लग रही है तो डेफिनेटली दे हैव प्रोवाइडेड हीटर। चलिए अब यहाँ चलते हैं बेड साइड पे, क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड किया है। इन्होंने वाटर बॉटल प्रोवाइड किया है, नोट पैड एंड पेन प्रोवाइड किया है, एंड यूनिक थिंग इन्होंने यहाँ पे QR कोड प्रोवाइड किया है। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मेन्यू बुक रखने की। तो कोविड के बाद मैंने देखा है कि मैक्सिमम होटल्स में, हमारे लास्ट टाइम जो ताज का विजिट था वहाँ पर भी मैंने ये देखा था कि इन्होंने जो है मेन्यू को अवॉइड करते हुए इन्होंने ये ऑनलाइन मेन्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है 5-star होटल्स में। और आप जस्ट QR कोड को स्कैन कीजिए एंड आपका मेन्यू निकल के आ जाता है। एंड स्लीपर्स हैं, ये सिर्फ 1 स्लीपर नहीं है, दूसरे पर्सन के लिए जो स्लीपर्स हैं वो इस साइड हैं। तो एक वाटर बॉटल इन्होंने इस साइड भी प्रोवाइड किया है, ग्लास मैंने ऐसे हटा दिया है क्योंकि ग्रेस जो है सबसे पहले उसका टारगेट जो है ये कांच की चीज़ें ही रहती हैं। तो अदर पेयर ऑफ स्लीपर्स यहाँ पे है। तो ये रूम्स जो है सिर्फ ब्यूटीफुल लैंप्स से नहीं भरा हुआ बल्कि एक सुंदर ब्यूटीफुल नेचुरल व्यू भी है, आपको यहाँ से मॉल रोड का पूरा व्यू दिखता है। तो अभी आपने देखा कि प्रीमियम रूम में और डिलक्स रूम में सिर्फ 2 खिड़की का फर्क है, ऑन डिफरेंस ऑफ ओनली 2 विंडोज। और उसमें भी देखिए यहाँ से अच्छा व्यू लग रहा है क्योंकि आप उधर देखेंगे ना तो सारा शिमला दिखेगा, सब सारे घर पर दिखेंगे, वैली वैली का तो कुछ ऐसा सीन है नहीं। देखिए सामने शिमला हाई कोर्ट है, जो आप नीचे देख रहे हैं क्लार्क्स की पार्किंग है। अगर यहाँ पार्किंग अगर नहीं मिलती है आपको तो आपको कमर्शियल पार्किंग यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ से आप वैली का व्यू देख सकते हैं, सामने टीवी टावर भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से जैसे ही आते हैं बेड के साइड में जो है दे हैव प्रोवाइडेड द कबर्ड, और कबर्ड में दे हैव प्रोवाइडेड आयरन एंड अ सेफ फॉर योर आइटम्स, इम्पोर्टेंट आइटम्स। एंड इस आयरन का जो आयरन बोर्ड है वो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है, नया ही लग रहा है। ओके सो व्हाट एल्स यू गेट, एक बड़े टेलीविजन के साथ साथ इस कबर्ड में देखते हैं क्या है। सो दे हैव प्रोवाइडेड केटल, हॉट वाटर के लिए एक्स्ट्रा हॉट वाटर अगर आप रखना चाहते हैं तो, और कप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टी एंड कॉफ़ी, मिल्क पाउडर, एंड इसमें क्या है, सो दे हैव प्रोवाइडेड किटकैट चॉकलेट्स, आई गेस इसके चार्जेस होंगे। ग्रेस से इसको थोड़ा बचा लूँ क्योंकि इसको चॉकलेट्स अभी मैंने देना शुरू नहीं किया है। तो दीज आर द चार्जेस इन दिस मिनी बार, यू गेट अ कोल्ड ड्रिंक, 2 कोल्ड ड्रिंक्स, Sprite and Coca-Cola, natural mineral water, 2 bottles, and soda and chilled beer. Okay, nice, but हम नहीं पीते हैं। So now चलिए अब होटल के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे चलते हैं। किसी भी होटल रूम में अगर आप जाते हैं तो बेड वेड हर जगह एडजस्टमेंट हो सकती है बट ध्यान नहीं होती, चलते हैं। Here is the washroom और they have provided bathtub. And here is a mirror. तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको 2 hand towels provide करे गए हैं, ये glasses हैं, और यहाँ पे आपको मिलते हैं इस होटल में, क्लास होटल में सारे कामा के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो कामा का एक क्लिनजिंग बार है, ये मेडिकल वेस्ट के लिए एक पैकेट प्रोवाइड किया गया है, हैंड सैनिटाइजर है कामा का ही, एंड दिस इज़ द बॉडी मॉइस्चराइजर, शावर कैप प्रोवाइड करी है, सैनिटरी बैग प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे 2 हैंड टॉवल और प्रोवाइड किए हैं उन्होंने, तो ये अच्छा है आपको। एंड हियर आर सम टिश्यू पेपर्स, एक हेयर ड्रायर है, शावर एरिया में वही सेम कामा के ही प्रोडक्ट्स हैं, हेयर कंडीशनर, बॉडी क्लींजर एंड हेयर क्लींजर,
तो सारे सिप्रस ऑरेंज ही है। इन्होंने हैंड टॉवल्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया था एंड वेटिंग टॉवल्स आपके उधर प्रोवाइड किया था। ओके, तो डेंटल किट में एक ब्रश है एंड यहाँ पे प्लास्टिक का काफ़ी यूज पे आई गेस बैन ही है, तो यहाँ पे पेपर नहीं प्रोवाइड किया है एंड टूथपेस्ट है। और एक और चीज़ मुझे जो यहाँ की काफ़ी यूनिक लगी है, तो शावर कैप जब आप खोलते हैं देन गेट अ रबर बैंड आल्सो, ये भी एक सही चीज़ है। मैंने आज से पहले अभी किसी होटल में ये चीज़ देखी नहीं, मैंने जस्ट शावर कैप तो देखा था बट एक रबर बैंड भी प्रोवाइड किया। और ये काफ़ी लाइक इम्पॉर्टेंट आइटम है, पर आप मिस कर जाते हैं ये चीज़, गर्ल्स इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगी। एंड एक शेविंग किट थी, इसमें एक रेजर एंड एक शेविंग जेल है। अरे देखिए ग्रेस अपनी चाय खुद बना रही है। ग्रेस, व्हाट आर यू डूइंग? ग्रेस, जैसे ही टीवी ओपन होता है तो ये सीन आता है। देखिए अगर आप क्लास आ रहे हैं पहली बार तो आपको रिमोट जो है ध्यान से देखना पड़ेगा। इस रिमोट में ये वाला बटन टीवी को ऑन करेगा और ये वाला सेटअप बॉक्स को, यहाँ पर इन्होंने जियो सेटअप बॉक्स लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए सर्विसेज भी आ रही हैं, अगर आपने इसको सर्विस लेनी है तो इसको ऊपर कीजिए, वेदर देखना हो, टीवी देखना है, सर्विसेज देखनी, सर्विसेज के लिए आप यहाँ पर प्रेस करेंगे। देखिए ऐसे निकल के आता है ये डाइनिंग का, देखते हैं क्या है इसमें। डाइनिंग हॉल, लॉन्च, टेरेस, ये है इनका डाइनिंग हॉल। अच्छा बैक जाएंगे, लॉन्च बार, ये है इनका लॉन्च बार और ये द टेरेस। वाओ, यहाँ बैठ के आप ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं, टी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए वेदर देखना हो तो शिमला का इस टाइम देखिए वेदर ये दिखा दिया। यहाँ पर ये सर्विस काफ़ी यूनिक लगी मुझे, मैंने कभी पहले किसी होटल में ये सर्विस देखी नहीं अभी तक। स्ट्रीमिंग सर्विसेज में क्या है? ओह, यहाँ पर यूट्यूब भी चल सकता है, देखिए यूट्यूब चलाते हैं। और ये आ गया हमारा चैनल। और ग्रेस अपनी पोएम्स देख रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और हमने अभी चाय मंगाई थी और देखिए कुछ इस तरीके से चाय आई है, वेरी फॉर्मल। देखिए इसको ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे उठाएंगे। हेलो वाइफी, कैन यू पोर मी सम टी? ये नज़ारा है इस टाइम, रात के अराउंड 11 o'clock है अभी और मॉल रोड में बिल्कुल शांति है, शांति ही होनी है इस टाइम पर तो। और ये देखिए ये क्लार्क होटल, ये सामने जो आप रेड लाइट देख रहे हैं, फ्लैग लगा हुआ है ना मॉल रोड पर, ये वो है, उस पर रेड लाइट है। ओ जो ये वाली लाइट जल रही है ना, ये चर्च के वहाँ पर है। आई लाइक द डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस होटल। एक्चुअली शिमला में आपको बहुत सारे ऐसे घर या फिर पुराने बिल्डिंग्स ऐसे मिल जाएंगी, बट ये बिल्डिंग इन्होंने काफ़ी मेंटेन करके रखी हुई है, तभी ये इतने साल तक यहाँ पर खड़ी है। ऐसा आर्किटेक्चर आपको इंग्लैंड या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, इंडिया में तो ये बहुत कम रह गया है। आप यू कैन से दिस इज़ टोटल ब्रिटिश आर्किटेक्चर। यही वो होटल है जहाँ पर ओबराय होटल्स की शुरुआत हुई थी, मिस्टर ओबराय ने अपना पहला होटल यही खरीदा था, वो यही होटल था, यहीं से मिस्टर ओबराय ने अपने होटल इंडस्ट्री की शुरुआत की थी।
देखिए ये है यहाँ का टेरेस एरिया, यहाँ से आप जो है चर्च का व्यू ले सकते हैं। देखिए सामने ये चर्च दिख रहा है इधर, और ये वो फ्लैग है, तो ये सारा मॉल रोड ही है, और यहाँ से पूरा शिमला दिखता है आपको कैसे भरा हुआ है। देखिए ग्रीनरी तो बिल्कुल खत्म हो गई है यहाँ पर। Yeah, this was the first hotel of Oberoi Group, started in 1934. Hotel was in operation since 1898. However, this was purchased by Mr. Oberoi back in 1934. So this is the first hotel of Oberoi. Okay. That's good to know. Now they have all around India and the world. Yes. And this is Sicily. How old is that? Sir, that's क्या है ये, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितनी खुश है ये। दिस फ्लोरिस्ट अंकल वाज सो जेनरस, he just gave a flower to our grace, say thank you to uncle, jai jai kar do, jai jai, oh jai jai kar, dak jai jai kar rahi hai, thank you kar rahi hai, thank you so much। चलिए अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पर भी एक छोटा सा गार्डन एरिया है, यहाँ भी बैठकर आप इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना कुछ भी खाने पीने का मंगवा सकते हैं, टी ले सकते हैं। इट्स टाइम टू लीव। और हमारा सामान भी आ गया है। ये है क्लार्क्स होटल और ये है नीचे जाने का रास्ता जो पार्किंग में जाता सीधे। यहाँ सामने ये हाई कोर्ट है। अगर हम इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोस में मैं कहूँगा कि यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है और सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छी है, और फाइव स्टार है, ऐसा खाना जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो ओवरऑल हमारा जो स्टे है वो बड़ा ही कम्फर्टेबल रहा, रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि ग्रैंड हेरिटेज होटल है, जैसा पुराना होटल था इसको वैसा ही रखा गया है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। देखिए जो पार्किंग है ना यहाँ की, ये काफ़ी छोटी है। अगर आप जल्दी नहीं आए, टाइम से नहीं आए, तो आपको पार्किंग मिलनी मुश्किल है, और पार्किंग में आपको बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपको फिर कमर्शियल पार्किंग लेनी पड़ेगी और दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। चलिए ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर। कहाँ की तरफ निकले हैं हम? रामपुर। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रामपुर। यहाँ से हम निकले हैं 1 बजे, देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं। ओके चलिए।